खबर के बाद आपका स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार सिस्टम को सुधारने में नाकाम रही है, चार सालों के अंदर नाकाम रही। फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारी वेबसाइट पर जो रिएक्शन आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जरा सोचिए जनता क्या कुछ कह रही है। 74% जनता कह रही है कि हाँ सरकार सिस्टम को सुधारने में नाकाम रही है, और 26% जनता कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम में सुधार महसूस हुआ है। श्याम जी जरा बताइए, जनता विधायक के पक्ष में है या विधायक ने वोटिंग करा दी? वोटिंग जो आपने कराई है और क्या पैरामीटर्स हैं वो तो आपको पता है विजेंद्र जी। सर हाँ या नहीं है बस, ज्यादा नहीं पूछते हम। सरकार जो काम कर रही है और सरकार ने चार साल में जितने अच्छे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, रोजगार देने के काम किए हैं, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सर ये कह लीजिएगा सर, क्योंकि वहाँ विकास होता तो फिर ऐसा नहीं। देखिए जो जनता ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान है, लेकिन विकास के काम सभी विधायकों की राय का भी सम्मान है, जो आवाज उठा रहे हैं उसका सम्मान है। देखिए विधायक सभी का सम्मान है सर, मैंने यही कहा विजेंद्र जी कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उन्होंने जो बोला है बोलने का सबको अधिकार है, दर्द भी हो सकता है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। सर आपके ही शब्दों के मुताबिक दर्द हो सकता है क्योंकि महत्वाकांक्षा है और कुंठा पूरी नहीं। बिल्कुल हो सकता है सर, ये भी हो सकता है विजेंद्र जी की दर्द भी हो सकता है। अब सोचिए सर, अगर आपके विधायक की खुशी नहीं तो जनता कितनी खुश होगी। देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जनता खुश हो, विधायक को खुश करने के लिए सरकार नहीं बैठी है विजेंद्र जी। जनता के हित के काम होने चाहिए और जनता के लिए काम होना चाहिए, रोजगार के विकास के काम होने चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सर रोजगार पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा सर, क्योंकि आंकड़े हर दिन सेंसेक्स से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मोहन डागर जी, आपको लग रहा है कि विधायकों का दर्द सही है? बिल्कुल विधायकों का दर्द सही है और ये सरकार कुछ आपको लग रहा है कि सर ये सियासत है अपने इलाके में, क्योंकि वो जानते हैं कि छवि जिस तरीके से सरकार की खराब हो रही है उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने इलाके में अपनी छवि को बेहतर कर लें सरकार पर आरोप लगाकर। ये सरकार व्यक्तिगत कुछ लोग इस सरकार को चला रहे हैं, राजस्थान में कोई लोकतंत्र नहीं है, राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये पूंजीपतियों की, कुछ व्यापारियों की और कुछ नेताओं की ये सरकार है, इसमें आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। और ये पहली सरकार है जिसमें उसी के विधायक, उसी सरकार के मंत्री अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं और हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब चार साल बाद में मजबूर होकर विधानसभा के पटल के सामने उनको ये बातें रखनी पड़ रही है। ये हालात राजस्थान के हैं, राजस्थान की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी, क्यों क्या सोचकर किस विश्वास के साथ में उन्होंने इतना बड़ा भारी बहुमत देकर इस सरकार को राज में बिठाया था। लेकिन हालात वो तो कांग्रेस को भी बताया था फिर हटा दिया था, नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने एक भी विधायक ने कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं की, कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी का सुना जाता था हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है सर, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2013 से पहले, 2013 से पहले मीडिया हाउस की वीडियो क्लिप आप निकाल कर देखें, ठीक है? राजेंद्र जी सर, क्या वाकई में विधायक अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सिस्टम की बलि चढ़ा रहे हैं? डागर जी रुके सर प्लीज सर, जनता को राजेंद्र जी क्या ये विधायक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिस्टम की बलि चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही है, ये चाहते हैं कि सिस्टम उनके हिसाब से काम करे और ब्यूरोक्रेट चाहते हैं कि हम कानून और नियमों से काम करें। और दिक्कत क्या है कि ये इसमें दरअसल में तीन अलग अलग हिस्से बनते हैं, नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं वो सही है। एक तो क्या है, सरकार आज गृह मंत्री ने दिया है देश में नंबर वन पोजीशन पर हम, एक तो सरकार है और एक ब्यूरोक्रेसी है और तीसरे विधायक है। अब जिस सरकार के विधायक, अब उनके सबके मन में यह है कि पहले तो हम मंत्री सारे के सारे बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्री नहीं बनना चाहता, और जो भी है वो ब्यूरोक्रेट्स को दबा के जो भी सही गलत सब काम कराना चाहते हैं जी। तो अब उनके पास में चारा क्या बचता है, चारा एक ही है, वो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। लेकिन सर जो गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिए जब वो राजेंद्र जी, राजेंद्र जी तो ठीक है एसपी, राजेंद्र जी सच्चाई तो ये भी है कि गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिए वो बताते हैं कि राजस्थान में ही पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा मामले यहीं पर सामने आए। नहीं वो बात सही है कि यहाँ की सरकार ने उन जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको पकड़ा है। आप ये देखिए दो एसपी पकड़े गए, आईएएस अधिकारी भी पकड़े गए, पकड़ती नहीं अब ये इंडिया में रिकॉर्ड बनाया दो एसपी 47% सर 47% आप एंटी करप्शन ब्यूरो प्रतिदिन कार्रवाई कर रहा है, छोड़ता है डेली कार्रवाई कर रहा है। ठीक है सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। राजेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये वाकई में इत्तफाक है कि देश में सबसे ज्यादा पुलिस पर मामले राजस्थान में दर्ज होते हैं? ये तो अच्छी बात है ना कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मतलब ये भी सबसे ज्यादा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मानचंद खंडेला जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, एक लाइन में मानचंद, क्या ये विधायक जो है ये हकीकत बयां कर रहे हैं
या अपनी महत्वाकांक्षाओं को अगले चुनाव में पूरा करने के लिए सिस्टम की बलि चढ़ा रहे हैं। ये चावल जो सीज रहा है ना, उसमें से एक चावल निकालकर बोलो, सब विधायक इतने दुस्साहसी नहीं हो सकते, इसलिए वो जो है ना नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी सबके सब ये बोल रहे हैं, आप कैमरे में जाकर पूछ लो, कैमरे के बाहर जाके पूछ लो, यही कहेंगे बहुत बुरी हालत है, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको टिकट चाहिए, और टिकट वास्तव में यहां भी मिल सकती है। तो सर, और सियासत को साधना शुरू कर दिया इन विधायकों ने, ये कह रहे हैं 100% लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, उसको आप अदरवाइज मतलब, ये प्रतिनिधि हैं और वास्तव में जो यानी ये दर्द भी बयां कर रहे हैं और सियासत भी साथ रहे हैं। एक सेकंड सर, जो परिस्थिति है ना, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये, और साथ में सियासत भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। मानचंद जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, मोहन जी आपका भी, और श्याम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक विधायक पुलिस पर आरोप लगाए, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार दिख नहीं रही, राज दिख नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं है। अब अगर ये सियासत का नया नजरिया भी है, तो जरा सोचिए फिर उस सिस्टम के साथ किस तरीके से सरकार काम करेगी, या उन विधायकों पर क्या भरोसा किया जाए जो 4 साल तक कुछ और कहते रहे, 10 दिन पहले कुछ और कहते रहे, और अब रंग बदलने के बाद, मौसम बदलने के बाद कुछ और कहते नजर आ रहे हैं।